गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर लुकसांग। गाइस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ओके अब मेरे बच्चों को भी हाय बोल सकते हो। बाय द वे छिरिंग हाय लव जेमा हाय लव छमाला छुरा से बिजरिश एंड चुंग चुंग देख सकते हो आप ऐसे सो रहा है। चुंग 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 हाय लव द छमाला चुंग चुंग। ओके सो आपने सबको हाय बोल दिया, मेरी पूरी फैमिली को मैं और मेरे बच्चे। एनीवे सो आई हैव अ ह्यूज न्यूज़, आई हैव अ वेरी बिग न्यूज़। आई डोंट नो हाउ टू। सो बिफोर आई टेल यू द बिग न्यूज़, आपको इतना बड़ा न्यूज़ बताने से पहले साइट में कुछ बोलना चाहता हूँ प्लीज़। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय केलसांगला। अनि थिरिंग गिंगे वीडियो दी चिंदा अनि केलसांगला रे केलसांगला थंदा न्यूयॉर्क रे शुगर राया अनि खोरांग खजि बिजनेस त खोरांग जले गा खरिन सीधा छुरु छेन चला निंगबा थंजे चोंगाय दा अनि न्यूए थंजे गि थंदा लेगा शुगर रा रांग सो थंदा खवा लयु न सजा खवा लयु न अनि खोरांग ला देवा छिन जुगो रे रांग सो अनि सीधा छुरु थंदे दाइमे चला निंगबा थंजे न्यूंगे छना हेमना रांग सो ला चला निंगबा थंजे युना अनि रांग सो छोंगे चोंगाय न केसंग ला देवा छिन जुगो रे कि वीडियो जिता वो केसंग ला खोरांग खसि वीडियो दे रे खोरांग खसि वीचैट दा खोरांग खसि व्हाट्सएप दा खोरांग की खबर आंग ता छंगमा उ वीडियो दिन रे रे अनि कुछ दि वीडियो दि खाउ मंगवा ता छंगमा लो शेयर छिरो नास तदा मा वीडियो दि शाए रा केसन लगा जने कुछ सिरो छि छंगमा लो संजय तो सिति ले ल नेम इंग केसन बि तो सिगे येल अनि दे ng तेसा रे न्यू योर ले इन ल अनि ng लो मा बु जते ले या फ्रिक चला ता सि छिरो चला निंग बसो तने छोंग जे दे बिन शुए इन ल अनि केसी के नंबर तो चला दिन ते ता पास इन ने बिन ने दा या तो मैंने गाल छुतो नहीं भी नहीं था अने गाल या सोंजे नारो ना शुए यहीं ला अने गे के दिया लिया वीचे व्हाट्सएप आ खबा आम जान दिए चाहता ये अने जंबलिंग साचा खबा ये भी ने लेंगे तेरे यों तो बुरे शुए यहीं। सो बैक टू माय वीडियो, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू ऑल। एक्चुअली आई थिंक जेमा इज प्रेग्नेंट अगेन। एक महीने से ज़्यादा हो गया एक्चुअली, एक महीने पहले शी वॉज ऑन हर पीरियड। तो एक्चुअली पीरियड के टाइम पे हीट पर था तो वो बार बार चुंग चुंग के पास जा रहा था एंड मैं कितना भी कोशिश कर लूँ उन दोनों की अलग करने की बट नहीं हो रहा था। जब मैं रात को सोती हूँ सुबह उठती हूँ दोनों साथ में लगे पड़े रहते हैं एंड अब मुझे ये फील हो रहा है कि शी इज़ प्रेगनेंट अगेन। क्योंकि सी लास्ट ईयर वन शी वॉज प्रेगनेंट, आई नो आई टुक केयर ऑफ हर, मुझे पता है वॉट आर द सिम्टम्स वट शी डज ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो मुझे सब कुछ पता है। तो जो सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी की सेम है जो पहले उसने किया था, तो अभी सेम आई एम ऑब्जर्विंग नावर डेज। फॉर एग्जाम्पल अभी उसकी जो जमा की दूधू है निपल्स वो बड़े हो गए हैं, वो पूरा निकल गए हैं निपल्स एंड उसकी जो पूप है जमा की जो पूपू है पॉटी वो पूपू जो है थोड़ा सा अलग हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीमेल डॉग की पूपू बहुत अलग हो जाती है, आपको जिनके पास फीमेल डॉग होगा उनको पता है कि वेन शी इज़ प्रेगनेंट उसका पूपू कैसा है एंड व्हेन शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट उसका पूपू नॉर्मल होता है। ठीक है, थर्ड जेमा का पेट बहुत बहुत बड़ा हो गया है। फोर्थ शी इज़ नॉट एक्टिव एनी मोर, पहले जैसे चुंग चुंग जेमा छिरी इतना दौड़ता खेलता है नॉल, बट अभी वो थोड़ी सी ढीला हो गई है। छिरी एंड चुंग चुंग बहुत खेलता रहता है बट जेमा है थोड़ा सा नो उसकी एनर्जी लो हो गई है। शी इज़ नॉट रनिंग इतना ज़ोर ज़ोर से दौड़ना ये सब नहीं हो रही है। तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट अगैन एंड अभी मैं जाऊँगा कुछ दिन में उसको मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा बिकॉज अल्ट्रासाउंड करने की बात ही पता चलेगा कि इफ़ शी इज़ रियली प्रेग्नेंट और नॉट। बाकी ये सब तो मैंने खुद से सिम्टम्स जो है मैंने खुद से नोटिस किया है एंड लाइक
वो सच्ची में प्रेग्नेंट है नहीं है वो तो मुझे अल्ट्रासाउंड करके ही पता चलेगा. एंड ऑल्सो लास्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई थी दैट वॉज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी. इसलिए जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमेशा बच्चा कम ही होता है. आप लोगों ने देखा ही होगा छिरिंग एंड कोको ही हुआ था, सिर्फ दो बच्चा हुआ था जैमा का. बट नाउ शी इज मेच्योर, दिस इज हर सेकेंड प्रेगनेंसी. एंड मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि इस बार बच्चे थोड़े ज़्यादा पैदा होंगे. एंड आई एम वरीड, एक्चुअली आई एम वेरी वरीड बिकॉज आई डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया हाउ एम आई गोना हैंडल ऑल दिस थिंग्स. मुझे तो सोच सोच के ना वो हो रही है अंदर से नो. बट जब से मैंने जैमा पे चेंजेस नज़र आए हैं आई हैव बिन टेकिंग केयर ऑफ हर एक्स्ट्रा. यू नो आई बिन गिविंग हर ऑल द न्यूट्रिशंस, आई बिन डूइंग एवरीथिंग आई कैन फ्रॉम माय साइड. मैं उसको एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, मैं उसको एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, ज़्यादा प्यार करती हूँ. सो लेट्स सी, अभी देखते हैं. मैं कुछ दिन के बाद जाऊँगा. एंड शायद आप लोगों को पता है कि डॉग बच्चे दो महीने में देते हैं, लाइक विद इन 60 डेज वो लोग बच्चे पैदा करते हैं. एंड अभी उसको पीरियड, लास्ट टाइम पीरियड आए हुए सिर्फ एक महीना ही हुआ है, शायद एक महीने से ज़्यादा हो गया है शायद उसकी पीरियड्स को. तो आई गेस मे बी अभी वो हो गए, एक महीने से ज़्यादा तो हो गए हैं शायद. अब वो तो अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलेगा कि इज रियली प्रेग्नेंट और नॉट, एंड विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शी इज़ राइट नाउ. तो आई हैव नो आइडिया. तो मैं जाऊंगा जल्दी अल्ट्रासाउंड करवाने. लेट्स सी. एंड अभी क्या है ना कि आई एम थोड़ा सा वरीड बिकॉज लास्ट टाइम लुपसांग वॉज देयर व्हेन शी वॉज कंसीविंग. जब जैमा का बच्चा हो रहा था लुपसांग था तो इट वॉज मैनेजेबल यू नो. बट दिस टाइम आई एम ऑल अलोन एंड आई डोंट नो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगा अगर इफ़ शी इज़ प्रेगनेंट. देखो प्रेगनेंसी होल टाइम आई कैन टेक केयर ऑफ हर, मैं हमेशा से मैंने ही उसको पाला है. बट जब बच्चा हो रहा होता है ना आई डोंट नो मैं कैसे करूँगा. आई डोंट नो मैं बच्चा का नाभि काटना ये वो ये सब. माई गॉड मैं ये सोच के ना मेरा सर दर्द कर रहा है. सो लाइक आई एम वेरी वरीड एक्चुअली बिकॉज दिस टाइम आई एम अलोन and I'm scared. I don't know how am I gonna manage. Let's see. ये जो pregnancy का news है this is just what I felt, what I observed. अभी I'm not sure. मैं आपको पक्का अभी कुछ दिनों में बताऊँगा, पहले अल्ट्रासाउंड करके फिर बताऊँगा कि इफ़ शी इज़ रियली प्रेगनेंट और उसका कितना बच्चा है, सब कुछ अल्ट्रासाउंड में पता चलता है. तो यस ये सब मैं पता करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा. या एनी वे सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई एम गोना एंड दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, बाय. तो दिस इज़ हर पेट नाउ एंड ऑल्सो उसकी निपल्स अब पूरा बाहर आ गए हैं फिर से पहले की तरह. एंड दिस इज़ हर पेट.